भारत का एक बहुत ही बेहतरीन एवं महान धावक मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में कोरोना महामारी के चलते उनका निधन हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति, साल 1958 के एशियन गेम्स के 200 और 400 मीटर के रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति, 1960 के रोम ओलंपिक में चौथे पायदान पर रहने वाला मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। वो हमको छोड़कर चले गए। देश को उम्मीद था कि कोरोना महामारी से वो जंग जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका जस्ट उल्टा हुआ। मिल्खा सिंह ने कोरोना महामारी के चलते अपनी पत्नी को भी एक सप्ताह पहले खो दिया। उसके बाद आज मिल्खा सिंह का भी निधन कोरोना महामारी के चलते हो गया। दोस्तों देश को उम्मीद था कि कोरोना महामारी से जंग जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों क्या बताएं, उदासी का माहौल बन गया। दोस्तों कोरोना ने हमारे देश के बहुत सारे अच्छे अच्छे और महान इंसान को भी ले डूबा। दोस्तों मिल्खा सिंह तो चले गए, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया नेशनल एवं इंटरनेशनल रिकॉर्ड आज भी हमारे बीच जिंदा रहेंगे। हजारों लाखों न जाने कितने वर्षों तक उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों एक भारत के हर इंसान के छोटा हो या बड़ा, उसके दिलों में जगह बनाने वाला मिल्खा सिंह आज हमारे बीच, आज हमारी दुनिया छोड़कर चले गए। दोस्तों मिल्खा सिंह पर बनाई गई फिल्म थी, जिस फिल्म को देखकर लोगों ने मिल्खा सिंह की तरह अपने अंदर भी जुनून पाला, अपने अंदर भी मिल्खा सिंह की तरह कार्य करने की, उनके द्वारा उनके जैसा रिकॉर्ड जीतने का भी अपने अंदर हौसला लाया। दोस्तों मिल्खा सिंह पर फिल्म बनाया गया ताकि उनकी यादों को, उन्होंने क्या क्या मेहनत किया, कैसे कैसे उन्होंने मेहनत किया, सब कुछ याद रखने के लिए मिल्खा सिंह पर फिल्म बनाई गई, जो कि फिल्म बहुत ही ज्यादा चली। एक छोटा बच्चा से लेकर बड़े बड़े बच्चे तक उस फिल्म को प्यार दिए। और दोस्तों सभी लोगों को उस फिल्म को देखने के बाद उनके अंदर से एक हौसला आता था कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। दोस्तों देश के हर एक छोटे बच्चे, बूढ़ा या हो या जवान हो या छोटा हो, सबके दिलों में जगह बनाने वाला मिल्खा सिंह का आज जो है निधन कोरोना महामारी के चलते हो गया।